हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अगेन पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो भी दो पैसेज देखा था उसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज हम लोग पढ़ेंगे उसको मैं आपको समझा दूँगी, उसकी हिंदी बता दूँगी, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं मैं वो बताऊँगी, लेकिन सॉल्व आपको इसे खुद से करना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू हैव टू क्रैक योर एग्ज़ाम, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर पैसेज, ठीक है? एग्ज़ाम क्रैक करने के अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं आपको इसकी हिंदी बता दे रही हूँ। ये फैक्चुअल पैसेज दिया हुआ है, सारे मैंने आपके बुक से ही लिए हैं, ये भी बुक से लिया हुआ है। मैं इसकी हिंदी आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो चूंकि हम एक शॉर्ट समरी बता देते हैं, इस चैप्टर में मोस्टली कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। जो एडवांस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ देखा जाए इन्वेंशन, तो कंप्यूटर इस समय में सबसे ज़्यादा एडवांस है। और ये मतलब देखा जाए तो इंडस्ट्री वगैरह, यूनिवर्सिटी में सभी जगह यूज़ किया जा रहा है, और हर एक व्यक्ति मजबूर है, या कह लीजिए कि डिपेंड हो चुका है कंप्यूटर पे। अपने सर्विस देने के लिए कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया, सर्विस देने के लिए मतलब कोई भी काम को पूरा करने के लिए, ठीक है? और वह दिन बहुत दूर नहीं है कि जब आदमी की लाइफ में कंप्यूटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना कि टेलीफोन और कैलकुलेटर है। यहाँ वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं कि देखिए, अबाउट द पैसेज, दिस पैसेज अबाउट द कंप्यूटर्स के बारे में दिया गया कि ह्यूमन लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर कैन बी कॉम्प्लिकेट थिंग्स बट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, ठीक है? मतलब कह रहा है कि कंप्यूटर कुछ भी काम करे लेकिन वो ह्यूमन बींग्स को क्या नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता है। मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग थिंक कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकता है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए पैराग्राफ वन के बारे में बता रहा है कि पैराग्राफ वन में क्या बताया गया है, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है, इसकी इंडस्ट्रीज यूनिवर्स में यूज के बारे में बताया गया है, और बताया गया कि बहुत जल्दी ये ऐसे ही ह्यूमन बींग्स की लाइफ का पार्ट बन जाएगा जैसे कि टेलीफोन और कैलकुलेटर है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या बताया गया, कैन डू मोस्ट कॉम्प्लिकेट वर्क, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर सकता है, ऑटोमेशन मशीन डूइंग वर्क फॉर अस, बहुत सारे काम क्या क्या कर सकता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए जो कंप्यूटर है वो सभी ब्रांच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क भी कर सकता है कम समय में, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकता है। दीज मशीन कैन बी पुट टू वैलिड यूजेस, अब यूज़ इनका देखेंगे तो दे कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रैफिक जाम के बारे में देखिए बता देते हैं हम लोगों को। दिस होल प्रोसेस बाय दिस मशीन कैन यूज टू वर्क फॉर अस हैज बीन कॉल्ड ऑटोमेशन, इसे क्या बोला जाता है, ऑटोमेशन बोला जाता है। इन द फ्यूचर ऑटोमेशन मे बी एनेबल ह्यूमन बींग्स टू इन्जॉय मोर लेजर, मतलब क्या होता है, लेजर मतलब फ्री समय होता है, मतलब ये जो कंप्यूटर पे काम करने की लोगों की आदत है और कंप्यूटर जिस तरीके से अपने अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, जब लोग फ्री होंगे तो वो कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर ही देखेंगे, टीवी वगैरह नहीं देखेंगे। दे कैन डू टूडे, द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज बाउंड टू हैव इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ये जो ऑटोमेशन है आने वाला ये काफ़ी बाउंड करता है सोशल कंसिक्वेंस को। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले जब लोग फ्री होते थे काम से तो अगल बगल लोगों के पास अपने बड़े बुजुर्ग के साथ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ या फादर के साथ बैठ के बातें करते थे, लेकिन सोशल कंसिक्वेंस मतलब हम ये दिखा रहा है कि अब हम इस तरीके से कंप्यूटर के आदि हो गए हैं कि जैसे ही हम काम से फ्री होंगे थे या होंगे या होते हैं तो हम कंप्यूटर लेके या मोबाइल टैबलेट लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर यही बताना चाह रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पैरा थ्री, कंप्यूटर्स वुड बी पॉकेट साइज, कंप्यूटर पॉकेट साइज मतलब हम मोबाइल या टैबलेट की बात कर रहा है, वुड प्रोवाइड वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन टू ट्रैवलर्स और ड्राइवर्स को वैल्यूएशन, जैसे देखिए ट्रैवलर करने वाले ड्राइवर्स को क्या बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि किस जगह पे कहाँ कैसे पहुँचना है। टीनी ट्रांसलेटिंग मशीन भी होते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है, आप देखते हैं। सम इयर्स एगो एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर लियोन बागरिट पॉइंटेड आउट दैट इट वाज अ मिस्टेक टू बिलीव दैट दीज मशीन्स कुड थिंक, वो उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब या हमें ये नहीं ध्यान मतलब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये मशीन है कंप्यूटर ये सोच विचार नहीं सकती। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन बींग्स विल बी कंट्रोल बाई मशीन, और इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी मशीन ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर सके। थ्रू कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस, जैसे कि दिन पर दिन कंप्यूटर की जो मिस्टेक, जो कंप्यूटर में मिस्टेक्स हैं, जो भी चीज़ें उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव तो किया जा रहा है। दे नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू ऑपरेट, लेकिन हम कितना भी करें कि जब तक हम ह्यूमन बींग्स उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे नहीं तब तक डाटा नहीं, मतलब कहने डालने का मतलब जब तक हम उसे
डेटा नहीं देंगे वो उसे प्रोसेस कैसे करेगा, मतलब कि कंप्यूटर को भी ऑपरेट करने के लिए जब ह्यूमन बींग उसमें डाटा डालते हैं तभी तो वो प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। मतलब यहाँ पे कहने मतलब कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं, रूल द वर्ल्ड बाय मेकिंग डिसीजन ऑफ देयर ओन, मतलब कि वो कभी भी अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते। अब कहने का अर्थ यहाँ पे जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको 100 में 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप जो सोच रहे हैं आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर 100 × 100 करके आपको आंसर दे दे, तो क्या दे पाएगा कंप्यूटर? नहीं। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सोच नहीं सकता, वो ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकता, हम जो भी चीज़ें उसमें फीड कर जो भी डेटा करते हैं उस पर ही वह वर्क करता है, इसलिए कंप्यूटर को भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग्स की नीड होती है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है सर लियोन सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर्स वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी स्मॉल एनफ टू कैरी इन द पॉकेट, फ्यूचर में बनने वाले कंप्यूटर इतने छोटे हो जाएंगे उन्हें पॉकेट में कैरी किया जा सकता है। जैसे देखिए पहले कंप्यूटर्स कितने बड़े थे, एक कमरे के बराबर बड़े थे, ठीक, एक स्क्वायर रूम जैसे जितना बड़ा होता है, तो इतने बड़े एक कंप्यूटर होते थे, धीरे धीरे छोटे होते होते अब वो डेस्कटॉप टेबल पे रखने वाले कंप्यूटर बन गए। ये कहते हैं कि फ्यूचर में बनने वाले कंप्यूटर इतने छोटे होंगे कि हमने पॉकेट में रख लेंगे। ऑर्डिनरी पीपल वुड देन बी एबल टू यूज़ देम टू ऑब्टेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे, लोग जो होंगे वो ईजिली आराम उसको जेब से निकाल कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो उसे ले लेंगे। और कंप्यूटर्स कुड बी प्लग इन टू अ नेशनल नेटवर्क एंड कैन बी यूज लाइक रेडियोज की तरह भी कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे कुड बी इन्फॉर्म अबाउट वेदर कंडीशन, जैसे देखिए कम हमें कहीं जाना हो, हम वहाँ के वेदर कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, मौसम के बारे में, तो भी हमें पता चल जाता है। कार ड्राइवर्स को भी अल्टरनेटिव रूट के बारे में पता चल सकता है, ट्रैफिक जाम के बारे में पता चल जाता है ना लोकेशन से। इट विल ऑल्सो बी पॉसिबल टू मेक टीनी ट्रांसलेटिंग मशीन, दिस विल एनेबल पीपल हु डू नॉट स्टेयर अ कॉमन लैंग्वेज। अब देखिए जैसे कि अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी हुई है उसका ट्रांसलेशन चाहिए, उसकी मीनिंग चाहिए, तो कंप्यूटर आपको इसमें भी हेल्प करता है। और विदाउट डिफिकल्टी टू रीड फॉरेन पब्लिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ फॉरेन पब्लिकेशन फॉरेन दूसरे देश में पब्लिक हुई है ना और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर पे अगर आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो कंप्यूटर में ये होता है कि आप उसको अपने ईजी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो ये आपका पैसेज है ये CBSE 2016 ऑल इंडिया पेपर में आपका आया था, 10th के पेपर में, ठीक है, यहाँ ग्लॉसरी दी हुई है, इसकी मीनिंग आपको ढूंढ के खुद से राइट करना है, ठीक है। आप जैसे मीनिंग तो यहाँ दी ही हुई है, स्पेयर मतलब फील्ड है, लेजर मतलब स्पेयर टाइम हो गया, ऑफ टाइम मतलब गेट, टीनी मतलब वेरी स्मॉल, तो इसकी जो ग्लॉसरी है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। नोटबुक में क्या मतलब आप इसको लर्न कर लीजिएगा, सिर्फ इतना कहने का सेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एडवांस एंड ग्रेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड की बात किया गया है आप उसका आंसर बताइए। कंप्यूटर इज एन इम्पॉर्टेंट टू मॉडर्न मैन एज टेलीफोनिक कैलकुलेटर मोबाइल ABC तीनों की, किसकी तरह कॉमन हो गया है, मतलब कि आने वाले समय में कंप्यूटर किसकी तरह कॉमन हो जाएगा, टेलीफोन की तरह, कैलकुलेटर की तरह, मोबाइल की तरह, कि ABC तीनों की तरह। व्हाट एंजॉयमेंट विल ऑटोमेशन प्रोवाइड टू मैन इन फ्यूचर, क्या एंजॉय करेगा, फास्ट ट्रैवल, लेजर, पीस है, एंटरटेनमेंट, मैंने बताया था अभी क्या लोग एंजॉय करेंगे, कब एंजॉय करेंगे कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स कैन नेवर टेक डिसीजन, क्या होगा ये आप बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन फ्यूचर कंप्यूटर मे बी यूज्ड एज, फ्यूचर कंप्यूटर किससे किससे यूज हो जाएगा, लैंप, मोबाइल, रेडियो से, गाइड, किसकी तरह, रेडियोज की तरह, सब मैंने अभी आपको इस चैप्टर में इस पैसेज में बताया है। द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज श्योर टू हैव इम्पॉर्टेंट, क्या होगा जो कमिंग ऑफ ऑटोमेशन होगा, श्योर टू हैव इम्पॉर्टेंट चेंज इन द लाइफ स्टाइल में, कि सोशल कॉन्सिक्वेंस चेंज करेगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि क्या चेंज कर रहा है, ठीक है। सर लियोन बैगब्रिट वॉज क्या थे, वो क्या थे, इनके बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। कार ड्राइवर्स कैन बी गिवन स्ट्रेट रूट ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम, ट्रू या फॉल्स, जो कार ड्राइवर्स, कार चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, क्या उन्हें कंप्यूटर जो है सही रूट बताता है ट्रैफिक जाम के बारे में या रूट के बारे में, ट्रू या फॉल्स क्या होगा, इन सारे के आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।